FC5 सिटी पिला माने जो मानकर प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर सिटी रो FC5 अछि तो प्रथम एककर नाय होची कला और सौंदर्य शिक्षा आमे एथरे कोन सिखिबा कला और सौंदर्य विषय रे शिक्षा ग्रहण करिबा। देखो आमे आलोच्य विषय एठि अछि तो माने देखो कला हेउची मनुष्यर निज अनुभव और अभिज्ञता रो रुचिपूर्ण और स्वाधीन परिप्रकाश। कला जितेबले आमे कौनसी तुमर किछि कलार विकास करिया पई चाहिबा किछि तुम भितर थिबा इंटरनल एबिलिटी कहि परिबा अथवा तुम भितर थिबा इंटरनल कैपेबिलिटी आमे कहि परिबा जोडा कि होउछि निजर अनुभव ओ अभिज्ञतार रुचिपूर्ण रुचि कहिले निजर इंटरेस्ट एवं स्वाधीन परिप्रकाश को कहा द्वारा बाध्य बाधकतार नाही निज भितर थिबा अंतर्निहित प्रतिभा को अंतर्निहित कला को जितेबले आमे अन्य आगे प्रकाश करिबा ताको आमे कला बोली कहिबा। तो आमे कलार एटी डेफिनेशन को कौन बोली भाविबा कि कला हेउची मनुष्यर निज अनुभव मनुष्यर निज अनुभव ओ अभिज्ञतार रुचिपूर्ण ओ स्वाधीन परिप्रकाश एहा हेउची मनुष्यर सृजनशील आवेग को प्रकाश करिवार एक माध्यम एहा हेउची कौन कला हेउची कौन मनुष्यर जो सृजनशील आवेग अछि ताको प्रकाश करिवा पई गोटे माध्यम गोटे मीडियम। तापर कला और सौंदर्य शिक्षार परिसर कला आउ सौंदर्य शिक्षार परिसर को पर्यंत अछि। देखो कला को तीनोटी रूप से प्रकाश करा जाय थाए साधारणतः आम जी कला को प्रकाश करिबा परिप्रकाश करिबा केतोटी भाग रे बा केतोटी रूप से प्रकाश करिबा तीनोटी भाग रे गोटे हैला दृश्य कला गोटे हैला अभिनय कला आ गोटे होची साहित्य कला। सो कला को आम केते भाग रे विभक्त कले तीन भाग रे गोटे होची दृश्य कला जहाँ को आम देखिबा आ गोटे होची अभिनय कला आ गोटे होची साहित्य कला। दृश्य कलार विभाग गुड़िक होला ए जो दृश्य कला जहाँ को आम देखी पारिबा जो कला को जमीती कि अंकन हैला चित्रण हैला झोटी हैला रंगोली हैला मूर्ति गठन हैला मुखा तियारी हैला कंढेई तियारी हैला कोलाज ए सबु जा कहउछ कोन दृश्य कलार अंतर्भुक्त। अभिनय कला आपण तो अभिनय कला जानिथिबे जेंति गीत हैला नृत्य हैला संगीत हैला वाद्य हैला एवं नाटक परिवेषण हैला ए सबु जा कहउछि कोन अभिनय कला। साहित्य कला साहित्य कला होउछि जेंति कि गल्प लिखन गल्प लेखिबा कविता लेखिबा नाटक लेखिबा ए सबु जा कहउछि साहित्य कलार विभिन्न विभाग। सो तीन प्रकार हैला कलार रूप जेंति कि दृश्य कला अभिनय कला आउ साहित्य कला। दृश्य कला हैला कौन जमीती कि अंकन चित्रण झोटी रंगोली मूर्ति गढ़ा आउ अभिनय कला हैला आपण मतलब अभिनय करुछंती जमीती कि गीत नृत्य संगीत वाद्य नाटक ये सब जाक बुझेला। तापर कला आउ सौंदर्य शिक्षार गुरुत्व हेउची शिशु मानकर रुचि सौंदर्यबोध सुकुमार मनोवृत्ति कल्पना प्रवणता पर्यवेक्षण शक्ति कौतूहली मनोभाव सृजनशील आवेग आदि को उज्जीवित करी से मानकर अंतर्निहित शक्ति को जाग्रत करिबा एही गोटे जिनिष को तुमने भल भाव नजर कर बुझिपारिबो। देखो कला और सौंदर्य शिक्षार गुरुत्व हेउची कौन कला और सौंदर्य शिक्षार गुरुत्व हेउची शिशु मानकर रुचि शिशु मानकर केउतिरे रुचि अछि तांकर सौंदर्यबोध सुकुमार मनोवृत्ति कल्पना प्रवणता पर्यवेक्षण शक्ति कौतूहली मनोभाव ये सबूर आम जाग्रत करवा जो अंतर्निहित शक्ति अच्छी जाग्रत करवार काम हो कौन कला और सौंदर्य शिक्षार गुरुत्व यही उद्देश्य को हासिल करने प्राथमिक स्तर में कला शिक्षार सर्वनिम्न शिक्षण उपलब्धि निर्धारण करा जाएगी। कला विद्या को अन्यान्य विद्यार साधना निमन्ते प्रयोग करिबा ओ तत् अनुजाई अनुबंध कराइबा कला शिक्षा ओ योजनार एक अंग। देखो यार उद्देश्य हासिल करने प्राथमिक स्तर में आमर जो कला शिक्षा आम केमती पिलार अंतर्निहित शक्ति कहीं समस्त भितर किना कि अंतर्निहित गुण लुचि करें यहाँ आम समस्त जानचु। सो ताकू केमी आम लोकलोचन को आमती आम उज्जीवित करवामी आम परिप्रकाश कराइबा पिला भितर से शिक्षा आमको ग्रहण करार आवश्यकता अच्छी उद्देश्य को हासिल करने प्राथमिक स्तर में कला शिक्षार सर्वनिम्न शिक्षण उपलब्धि निर्धारण करा विद्या को अन्न्य विद्यार साधना निम्ते प्रयोग करवा
ଓ ତଦ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁବନ୍ଧ କରାଇବା କଳା ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଙ୍ଗ, ବୁଝିହେଲା। ସୋ ଦୃଶ୍ୟ କଳା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଦୃଶ୍ୟ କଳାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ ବି ତୁମକୁ କହିଥିଲି, ଯେମିତିକି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ହେଲା, ଚିତ୍ରଣ ହେଲା, ଝୋଟି ହେଲା, ରଙ୍ଗୋଲି ହେଲା, ସଜ୍ଜୀକରଣ ସଜାଇବା, ଯେମିତିକି ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଲା ଭଲ ଡେକୋରେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ତ ଏଇ ଡେକୋରେସନ୍ କରାଇବା, ସଜ୍ଜୀକରଣ କରିବା, କୋଲାଜ କରିବା ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ କଳାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ଟେରାକୋଟା ବାଲୁକା ଚିତ୍ର, ଟେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ କଳାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ କଳା ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହେବା ଅସମ୍ଭବ, କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କଳା ଶିକ୍ଷାର ଆମେ ଯଦି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ, ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କୁ କଳା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର କଳାକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଳା ପ୍ରତି ସେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କେମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସାରା କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସାରା ମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଇବା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କାହାର କେଉଁଥିରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଅଭିନୟ କଳା, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅଭିନୟ କଳା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ କଳା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଭିନୟ କଳା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ତମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସାହିତ୍ୟ କଳା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ କଳା, ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କଳା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ କଳା, ହେଲା। ଅଭିନୟ କଳା ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅଭିନୟ କଳା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି କଳା ଉଭୟ ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଅଭିନୟ କଳା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିବା, ଅଭିନୟ କଳା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ରଖିବା, ନୃତ୍ୟ ରଖିବା, ଆଉ ନାଟକ ରଖିବା ଆଦି ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା। ସାଧାରଣତଃ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେମିତିକି ମାର୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀତ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାର କଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ କଳା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଭିନୟ କଳା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ କଳା, ବୁଝିପାରିଲ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ସଙ୍ଗୀତ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାର୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀତ। ଉଭୟ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀତର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନାଦ, ସ୍ୱର ଓ ସପ୍ତକ। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ତ୍ରିବିଧ ରୂପ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ, ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତର ଅନ୍ୟତମ ପୁରୁଧା ହେଉଛନ୍ତି ଅମୀର ଖୁସରୁ। ଆକବରଙ୍କର ଦରବାରରେ ଥିବା ତାନସେନ୍ସ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତୁଳନୀୟ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବା କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ସଙ୍ଗୀତର ବିକାଶ ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଧା ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଶ୍ୟାମଶାସ୍ତ୍ର, ମଥସ୍ୱାମୀ ଦୀକ୍ଷିତ ଓ ତ୍ୟାଗରାଜ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ତୁମେମାନେ ଦେଖ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ସେ ସଙ୍ଗୀତ ହେଲା କେତେ ପ୍ରକାର, ସଙ୍ଗୀତ ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ହେଲା ମାର୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ, ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀତ। ଉଭୟ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀତର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନାଦ, ସ୍ୱର ଓ ସପ୍ତକ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବା କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ସଙ୍ଗୀତର ବିଶେଷ ବିକାଶ ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଧା ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଶ୍ୟାମଶାସ୍ତ୍ରୀ, ମଥସ୍ୱାମୀ ଦୀକ୍ଷିତ ଓ ତ୍ୟାଗରାଜ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଇତିହାସରେ କବି ଜୟଦେବ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଆଦିଙ୍କର ରଚିତ ଛନ୍ଦ ପଦ୍ୟାବଳୀ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ। ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ। ନୃତ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀ ନୃତ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛୁ ନା କି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି, ବା ନୃତ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀ ନୃତ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ। ଭାରତରେ ଗାଁ ଗହଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୃତ୍ୟକୁ ପଲ୍ଲୀ ନୃତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଝୁମର୍, ସମ୍ବଲପୁରୀ,
डालखाई इत्यादि पल्ली नृत्यर उदाहरण। शास्त्रीय नृत्यरे मुद्रा अवस्था नृत्य करने पड़ी था। यह नृत्यर व्याकरण अनुसार होता है। भारत में वर्तमान 6 प्रकार शास्त्रीय नृत्य देखा मिले। एक क्वेश्चन परीक्षा आसे भारत में वर्तमान केते प्रकार नृत्य देखा मिले, जोड़ा कि 6 प्रकार नृत्य देखा मिले, जोड़ा कि भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी। ए 6 प्रकार नृत्य भारत देखापी मिले, जमीक भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, कथकली, कुचिपुड़ी आउ ओडिसी। नाट्यकला दुई भाग में विभक्त, गोटे हूँ लोकनाटक आ गोटे हूँ दिग्धक नाटक। ओडिशार मुख्य लोक नाटक मध्यम बालेश्वर दंडनाच, मयूरभंजर छौ नाच, खोर्धार पाइक नाच इत्यादि मान्यता पाई। दिग्धव नाटक मुसलमान मान दीर्घ राजत्व पर इंग्रेज मान राजत्व काल में विकास लाभ कर। बुझिपाल समस्ते। तापर साहित्य कला, साहित्य कलार विभिन्न विभाग गुड़िक है। आम जानले तीन प्रकार अच्छी, गोटे हूँ दृश्य कला, गोटे हूँ अभिनय कला, आ गोटे हूँ साहित्य कला। अभिनय कला भितर आम संगीत गला, बुझीगला। साहित्य कलार विभिन्न विभाग गुड़िक है गल्प लिखन, कविता लिखन और नाटक लिखन। आम गल्प लेखिबा, कविता लेखिबा, नाटक लेखिबा। साहित्य कलार विभिन्न रूप मध्य गल्प लिखन अति सहज। साहित्य कलार जो तीन टा रूप अच्छी, आम गल्प लेखिबा, कविता लेखिबा, नाटक लेखिबा, ता भीतर गल्प लिखनटा अति सहज। प्राथमिक स्तर रे पिला माने किपरि सुंदर सुंदर गप लेखि परिबे शिक्षक सेतिपति ध्यान देबा आवश्यक। तो आपण माने ही ध्यान देबा आवश्यक, कारण आपण माने ही होउछन शिक्षक। साधारणतः पिला माने पशुपक्षी सम्बन्धीय गप लेखिबा को भल पांदी। पशुपक्षी विषय रे लेखिया पई पिला मानकर सृजनशीलता भल है। गल्प लिखन भली कविता लिखन सहज नुहे, तथापि प्राथमिक स्तर रे पिला माने किपरि छोट छोट कविता लेखि परिबे शिक्षक सेतिपति जत्नवान हेबा आवश्यक। तापरे क्लिष्ट माने कष्ट, शब्द विहीन, छोट आकार रे, कम पाद विशिष्ट कविता लेखिबा पई पिला मानक मध्यरे आग्रह सृष्टि करिबा शिक्षकंकर एक बड़ काम। नाटक लिखन साहित्य कलार अन्यतम विभाग हेउछि नाटक। नाट्य रचनार वैशिष्ट्य गुड़िक हेला कथावस्तु, चरित्र संकल्प, द्वंद और दृश्य। एहाकु आखि आगरे रखि छोट छोट नाटक लेखिबा पई षष्ठ किंबा सप्तम श्रेणी रु पिलाकु उत्साहित करिबा आवश्यक। तो आमे जानले तीन प्रकार रहउछि, गोटे रहउछि कोन गल्प लेखैबा, गोटे कविता लेखैबा, गोटे नाटक लेखैबा। गल्प हेउछि सहज आ नाटक रचना बहुत सारा कष्ट था, कहीं आम कथावस्तु, चरित्र, संकल्प, द्वंद, दृश्य ये सब लिखिबार अच्छे। प्राथमिक स्तर रे शिक्षादान और शिक्षण व्यवस्था विषय सर्वस्व न हो दृश्य कला, अभिनय कला और साहित्य कलार जथेष्ट सुजोग रहिबा दरकार। प्राथमिक पाठ्यक्रम भाषा विषय उपयुक्त शिक्षण हो पारिब जदि वर्षर विभिन्न समय रे गल्प लिखन, कविता लिखन, आवृत्ति, नाटक इत्यादि संगठन करा जीवो। प्राथमिक स्तर रे साहित्य कलार मूल्यायन पाई गप, कविता, नाटक लिखन इत्यादि आयोजन करी तहार मूल्यायन करिबा दरकार। प्रगति पत्र रे एतिपाई विशेष स्थान रखिबा उचित। तो एटा होची प्रथम विषय तमानकर FC5 रो। आ परे परे सेकेंड विषय भी कंटिन्यू चलिबो, जोडा कि कला और सौंदर्य शिक्षा आम वर्तमान पढ़ेले। वीडियो को शेयर कर, निर्मल क्रिएशन को सब्सक्राइब कर। सब्सक्राइब कले एम दि क्लास तुम्हारा कंटिन्यू करा जीवो। सिटी फर्स्ट ईयर क्लास तो तुम्हें जो भी डाइट ETI बायट रे पढ़ुच सब पिला शेयर कर, जब सब पिला पहुँच कहीं आपे आम परीक्षा पर इम्पोर्टाट आउ सिलेक्शन क्वेश्चन प्रोभाइड करवा जहाँकि तुमकर परीक्षा बहुत हेल्प कर। सो वीडियो को शेयर कर आउ चैनल को सब्सक्राइब कर। एमती तुम्हारा सबुजाक क्लासेस आम कंटिन्यू करूँ। धन्यवाद।